हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसकी रोल नंबर स्लिप और पेपर जो डेट है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी तैयारी के लिए आप पीडीएफ बुक्स पास्ट पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, तैयारी के लिए बेहतरीन किताब कौन सी है, ऑनलाइन अगर तैयारी करनी है तो बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है, टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इसमें आपका फ़ायदा, हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आपने अप्लाई किया था, आपको रोल नंबर स्लिप या मैसेज अभी तक नहीं आया तो आपने गूगल पर जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लिखना है, आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आपने कैरियर जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है, जो ही ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये आ जाएगा, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तभी ये इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपने अगर सिलेबस वगैरह जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपना रोल नंबर चेक करना चाहते हैं, टेस्ट आपका नाम है या नहीं है, तो आप लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने कौन सा तब सेंटर सेलेक्ट किया तो वो आपने यहाँ से उसको देख लेना है कि कौन सा, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, जो भी था आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आगे इस्लामाबाद का स्टैटिक असिस्टेंट किसके ऊपर आपने अप्लाई किया था तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख लेना है और इससे भी आप जा सकते हैं। बेशक रोल नंबर पेज वाले का प्रिंट लेके आप चले जाएँ तब भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अब आते हैं हम सिलेबस वगैरह की तरफ। आपने कॉल लेटर के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आप डेट भी लिखी हुई है कि स्टैटिकल असिस्टेंट का 4 फेब को पेपर होगा, स्टेनो का भी 4 को, असिस्टेंट का भी 4 को, स्टेनो का भी 4 को, और इसके अलावा एलडीसी और बाकियों का 5 फेब को पेपर होगा। इसी के थोड़ा सा नीचे आए गए तो ये सिलेबस के लिए दिया गया लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सिलेबस आ जाएगा तमाम पोस्टों का। तमाम पोस्टों का यानी कि असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टेनो और लो एलडीसी का एक ही सिलेबस है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट रेलिवेंट। मीन्स के सब्जेक्ट रेलिवेंट में आई थिंक कंप्यूटर रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ये 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें हो सकता है 50 MCQs हों और एक MCQ 2 नंबर का। बाकी जो छोटी पोस्ट हैं उनका जनरल नॉलेज के ऊपर मुश्तमिल होगा और तमाम MCQs होंगे। पेपर में सिर्फ 20 MCQs होंगे 40 नंबर के। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किताब से तैयारी करनी चाहिए। वन पेपर या जनरल नॉलेज या कोई भी ऐसी किताब जिसमें ये सिलेबस, क्योंकि ये जनरल चीज़ें हैं तो वो आप उनको देख ले। अगर मिनिस्ट्री की आपको बुक मिल जाए, मार्केट से वैसे होगा तो नहीं, फिर भी अगर चेक कर लें, अदरवाइज़ वन पेपर बुक बेस्ट है। इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, test1.pk से चेक कर लें, वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको एज़ पॉसिबल चीज़ें मिल जाएंगी। मेहनत पर यकीन रखें, और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये test1.pk वाहद वेबसाइट है जहाँ से आजकल मोस्टली पेपरों के क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ पे डिटेल के साथ क्वेश्चन होते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए होती है, तो इसलिए इस वेबसाइट में बहुत से फीचर हैं और इसको अगर पढ़ लीजिएगा। ये नहीं कि हमारी है तो हम कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डिटेल के साथ जो लिखा गया है वो किसी भी वेबसाइट में चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको पढ़ें। और अगर आपको इसकी तैयारी के लिए पीडीएफ बुक्स वगैरह चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करें। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी, आपने नीचे आ जाना है। ये देखें, यहाँ पे तमाम पोस्टों का सिलेबस भी मौजूद है और इसके अलावा आप अब मज़ीद नीचे आएंगे तो पीडीएफ बुक्स ये है, इसके अलावा इंटरव्यू वगैरह के हवाले से इंफॉर्मेशन, 1000 मोस्ट रिपीटेड MCQs पीडीएफ में है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जैसा कि हम किसी एक का सिलेबस देख स्टेनो के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टेनो का अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं, ये पूरा पेपर क्राइटेरिया दिया हुआ है। आगे फिर इस्लामिक स्टडी अगर उस सिलेबस में है तो हमने डाउनलोड करने के लिए इंग्लिश डाउनलोड करने तमाम का ये भी दिया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके और अच्छे से आप इन चीज़ों को देख सकें। इसके अलावा यहाँ पे आपको गेस्ट पेपर भी मिल, जिस टेस्ट की तैयारी करनी है उसके गेस्ट पेपर भी उस हवाले से हमने दिया हुआ है, पास्ट पेपर वगैरह के लिंक भी और पीडीएफ के भी लिंक हमने दिए हुए हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपको व्हाट्सएप वगैरह पर भी मालूमात मिलती रहें, तो ये हमारा नंबर है 0308-25-33-000। इसको आप अपने पास test1.pk के नाम से सेव करके अपना नाम लिख के मैसेज करेंगे तो आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक स्टेटस के लिए और एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। दोनों भी आप मुतलका मालूमात देंगे, इंशाल्लाह आपको दोनों चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।